चैनल मैं आपको एक लेके आया हूँ आज गगन ढाबा, जो कि वसंत कुंज और मसूदपुर के बीच में मार्केट के पास में है। श्री गगन ढाबा है, ये बहुत ही ओल्ड ढाबा है यहाँ पे वसंत कुंज के अंदर, और ये इतना चलता है मैं क्या बताऊँ, तब इतने लोग आते हैं, खाना इज़ वेरी इकोनॉमिकल। और ये देखिए, ये है गगन ढाबा, हमारा गगन ढाबा, खाना एकदम लाजवाब मिलता है यहाँ पे, सिटिंग भी है। और दिखाते हैं प्रिपरेशन इनकी, और ये बिल्कुल कम्युनिटी सेंटर, मसूदपुर का जो कम्युनिटी सेंटर है उसके पास में है, और दिखाते हैं इनकी प्रिपरेशन। और मैं होप करता हूँ आपको ये पसंद आएगी। बिल्कुल हम गगन ढाबा पे, जो कि मसूदपुर वसंत कुंज के अंदर है, ये इनकी रेट लिस्ट है, और ये हमारे लिए बना रहे हैं आज पनीर भुर्जी। पनीर भुर्जी बन रही है, और सब कुछ रेडी रहता है इनके यहाँ पे, और खाना इतना बेहतरीन रहता है, इतना स्वाद रहता है घर वाला कि मज़ा आ जाता है। ये वही दिया नमक, हरी मिर्च, हल्दी गई, इनका बुना हुआ मसाला रहता है, टमाटर है, ये टमाटर उबला हुआ रहता है मसाले के साथ। ये देखो ये एकदम गजब, और अब आएगा हमारा पनीर की बारी आएगी। ये है इनकी रेट लिस्ट, दाल फ्राई, दाल तड़का, दाल मखनी, दाल अंडा, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। ये पनीर किया मैश, ये देखिए मैश किया, और ये बन गई इसकी भुर्जी। पनीर लाजवाब घर वाला बन जाता है एकदम, ये देखिए। अरे हाफ प्लेट पनीर है, ये गया मसाला, इसकी कीमत है 100 रुपीज हाफ प्लेट, और ये हो गया पैक। हमारी एक डिश हो गई रेडी, दूसरी हमने करी है दाल, दाल फ्राई है ना, दाल फ्राई, ये आ गई हमारी दाल। कसूरी मेथी है, वाह एकदम ठीक सी दाल है, और ये हो गई रेडी पैकिंग में। ये देखिए हाफ हाफ प्लेट है, ये देखिए खाना इतना स्वाद है इस ढाबे का कि मैं क्या बताऊं आपको। अ फ्यू मिनट्स लेटर, तो गाइस खाना हम पैक करा के ले आए हैं ढाबे से, और मैंने कितना ही सोचा था कि आज मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरे थोड़ा सा शाम को ज़्यादा खा लिया था, बट मैं अपने आप को रोक नहीं पाया आज फिर से, क्योंकि मुझे पता है ये मेरे फेवरेट ढाबे का खाना है और इसको मैं मिस नहीं कर सकता। तो ये रही हमारी फेवरेट दाल, ये देखो जी क्या गजब दाल है, एकदम
रली मिली दाल है, एकदम गजब, बहुत ही गजब है। और ये है हमारी फेवरेट पनीर की डिश, जो है पनीर भुर्जी के नाम से है। पनीर भुर्जी है बेसिकली, इट्स नॉट ए शाही पनीर, इट्स ए पनीर भुर्जी डिश। और ये साथ में दिया गया है हमें प्याज और ककड़ी, और साथ में है ये तवे वाली रोटी, वेरी वेरी लाइट रोटी। गजब का टेस्ट है इस ढाबे का, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, मतलब इट्स अ हिडन जेम आई वुड से। ये हिडन जेम है, बहुत ही इकोनॉमिकल सी जगह है, बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर्स है खाने के, तो आपको दिखाते हैं। ये देखिए आज हम लगाएंगे, ये रही हमारी पनीर की भुर्जी लगाई हमने, ये देखिए कढ़ाई में, और यहाँ डाली थोड़ी दाल, थिक सी दाल, और इसको किया टेस्ट, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ये जो हमारी ये जो भुर्जी है, देखिए आप किस हिसाब से बनाई गई है, प्याज है, टमाटर है, हरा धनिया है, गजब। मतलब ऐसी भुर्जी मैंने अमृतसर में जरूर खाई थी, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि यहाँ पे मसूदपुर के अंदर इस गगन ढाबा पे ये चीज सर्व की जा रही है, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग है। मतलब दाल खा लो आप, कहता हूँ दाल के साथ चावल खा लो, गजब हो जाएगा। और वही हम करते हैं जब हमारे घर मेड नहीं आती ना, तो खाना मैं यहाँ से ले आता हूँ कभी कभी, क्योंकि लाइट खाना है, एकदम घर वाला खाना है। इट्स नॉट अ खाना दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड एट अ रेस्टोरेंट, एंड इट्स फील लाइक दैट इट हैज बीन प्रिपेयर्ड एट होम। तो अगर आप भी वसंतपुर के आसपास हैं और कुछ ऐसा हल्का खाना लेना चाहते हैं वसंतपुर के अंदर, तो श्री गगन ढाबा मसूदपुर कम्युनिटी सेंटर के एकदम ऑपोजिट है, आप वहाँ पे जा सकते हैं, अपना खाना पैक करा सकते हैं और अपने घर पे एंजॉय कर सकते हैं। सिंपल सिंपल इन दैट, लेडीज के लिए दिस इज गोइंग टू बी यू नो अ नाइस डिस्कवरी, बिकॉज आज खाना मेड नहीं आ रही भाई साहब, आज खाना लेना था गगन ढाबा से। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये जो छोटी सी वीडियो है गगन ढाबा की आपको पसंद आएगी, पसंद आती है तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं आपसे फिर मिलूंगा अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना, टेक केयर, गुड बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।